हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमारी जो स्टोरीज की जो इमेजेस है वो चेंज करने के लिए हमने नेक्स्ट और प्रीवियस और साथ ही साथ पॉज और पॉज करने का भी जो है कंट्रोल हमने सेट कर लिया था इमेजेस के लिए। अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, व्यू पेजर सेट करना है और उस व्यू पेजर के अंदर हम सारी स्टोरीज जो है वो लोड करेंगे, क्योंकि व्यू पेजर की मदद से क्या कर सकता है यूज़र जो है वो स्टोरी अगर जो है डायरेक्टली स्टोरी चेंज कर सकता है, ना कि इमेजेस, ओके, स्लाइड या स्वाइप करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे हम जो है व्यू पेजर 2 का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो व्यू पेजर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे developer.com पे। यहाँ से हम जो है ये लाइब्रेरी की जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से डिपेंडेंसी कॉपी करते हैं, देन चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और उसके बाद हमारा जो ग्रेडल फाइल है वो ओपन करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, कॉपी नहीं हुई है, कंट्रोल सी पेस्ट, उसके बाद सिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है, ओके सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो है व्यू पेजर 2 के लिए जो है यहाँ पे कोड, सैंपल कोड दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें कोड जो है वो कॉपी करना है। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में और सबसे पहले तो एक फ्रैगमेंट बना लेते हैं, स्टोरी फ्रैगमेंट। तो न्यू फ्रैगमेंट, ब्लैंक फ्रैगमेंट, इसका नाम होगा स्टोरी फ्रैगमेंट। स्टोरी फ्रैगमेंट, देन दोनों चेकबॉक्स को अनचेक कर लेंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, तो हमारा फ्रेगमेंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, पहले तो हम जो है कोड हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, स्टोरी एक्टिविटी में से जो है सारा कोड हमें यहाँ पे लेके आना है। तो स्टोरी एक्टिविटी ओपन कर लेते हैं और यहाँ से पहले तो ये वेरिएबल जो है वो यहाँ से कट कर लेते हैं और एक काम करते हैं इसे स्प्लिट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद ये मेथड्स जो है वो भी यहाँ से हम कट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑन व्यू क्रिएटेड ओवरराइड करते हैं, देन पेस्ट कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद ऑन रिज्यूम ऑन पॉज इसे भी कट करते हैं, पेस्ट करते हैं और प्रोटेक्टेड की जगह यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक, यहाँ पे भी पब्लिक, देन उसके बाद ये सारे मेथड्स यहाँ से कट करने हैं हमें, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सो स्टोरी एक्टिविटी में से सारा कोड हमने जो है वो ले लिया है। अब चलते हैं स्टोरी फ्रेगमेंट पे और सारे एरर पहले हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वन बाय वन सारे एरर रिसॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इनिट में हमें व्यू जो है वो पास करना पड़ेगा, व्यू, देन उसके बाद यहाँ पे व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, यहाँ पे भी व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आई डी, देन उसके बाद कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमें गेट कॉन्टेक्स्ट पास करना है, देन एक्टिविटी के लिए गेट एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड, देन उसके बाद यहाँ पे गेट कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पे गेट एक्टिविटी डॉट फिनिश, उसके बाद यहाँ पे भी गेट कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे भी गेट कॉन्टेक्स्ट। सो एरर सॉल्व हो चुके हैं, ऊपर दो एरर और शो हो रहे हैं। ओके, फाइंड व्यू बाय आईडी दो बार हो चुका है, कोई बात नहीं, हो गया। और यहाँ पे फाइनली व्यू पास कर देना है इनिट के अंदर। सो कोड तो हमने मूव कर लिया, अब जो है एक्सएमएल फाइल जो है उसमें भी कोड हमें मूव करना है। तो इसकी पहले स्टोरी एक्टिविटी, इसकी एक्सएमएल फाइल ओपन करते हैं और यहाँ से ये जो कोड है, ओके, ये पूरा हमें यहाँ से कट करना है, कंट्रोल एक्स। ओके, फ्रेम लेआउट से रहने देना है, फ्रैगमेंट के अंदर आ जाएंगे, टेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन स्टोरी एक्टिविटी अब इसे क्लोज कर लेते हैं और फ्रैगमेंट के अंदर चेक कर लेते हैं एक बार। सो फ्रैगमेंट भी हमारा जो है वो सेट कर लिया है हमने, फ्रैगमेंट के अंदर कोड सेट कर लिया है। अब क्या करना है, अब वापस से स्टोरी एक्टिविटी ओपन करना है, फ्रैगमेंट को अभी क्लोज कर लेते हैं और इसके एक्सएमएल फाइल भी ओपन कर लेते हैं।
सो यहाँ पे अब हमें व्यू पेजर टू जो है वो सेट करना है। तो वापस से चलते हैं वेबसाइट पे, और ये तो फ्रेगमेंट का कोड है, ये भी फ्रेगमेंट का कोड है, यहाँ से कोड स्टार्ट हो रहा है। तो पहले तो ये कोड कॉपी करेंगे व्यू पेजर टू वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हम स्टोरी एक्टिविटी के अंदर है। देन उसके बाद नीचे चलते हैं, और ये जो है एक्टिविटी का कोड है, तो यहाँ पे तो स्टैटिक पेजेस नंबर, पेज नंबर जो है, नंबर ऑफ पेजेस वो सेट किया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले तो ये चीज़ यहाँ से कॉपी करते हैं, ऑन क्रिएट, और ऑन बैक प्रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कंट्रोल सी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो व्यू पेजर टू, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, फ्रेगमेंट स्टेट अडेप्टर, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, एक्टिविटी स्क्रीन स्लाइड की जगह आ जाएगा स्टोरी एक्टिविटी, एक्टिविटी स्टोरी, ओके। देन ये अडेप्टर है जो कि कोड अभी तक हमने कॉपी नहीं किया है, तो ये बैक प्रेस वाला कोड नहीं चाहिए। देन ये रहा अडेप्टर, तो अडेप्टर का कोड यहाँ से कॉपी करते हैं अगेन, और सी के अंदर नीचे अडेप्टर हम बना लेंगे, फ्रेगमेंट एक्टिविटी, देन उसके बाद फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हमारा आएगा न्यू स्टोरी फ्रेगमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस तो अभी के लिए जो है वो 5 रख देते हैं, बाद में हमें यहाँ पे कोड चेंज करना है। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट एक्टिविटी, और यहाँ पे फ्रेगमेंट, और यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स। अब क्या करना है हमें, पहले तो नाम चेंज कर देते हैं, स्टोरी स्लाइड अडेप्टर, स्क्रीन्स की जगह स्टोरी, स्टोरी स्लाइड पेजर अडेप्टर, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे ये ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी है, हमें इसे फ्रेगमेंट एक्टिविटी से एक्सटेंड करना है, ओके फ्रेगमेंट एक्टिविटी, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है दो एनिमेशन के कोड यहाँ पे हमें दिए गए हैं, तो ये एनिमेशन जो है वो हम यूज़ करेंगे, ओके डिफ़ॉल्ट वाला। आप चाहे तो अपना कस्टम एनिमेशन भी जो है वो यहाँ पे आप कोड के अंदर सेट कर सकते हैं, बट हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं, ओके ये वाला सही है, जूम आउट। तो उसके लिए हमें अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, जूम आउट पेज ट्रांसफॉर्मर, ओके इसे कॉपी करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके अडेप्टर के अंदर कर लेते हैं न्यू क्लास, जावा क्लास, स्टोरी पेज ट्रांजिशन, ओके इसका नाम रख देते हैं, देन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड को, और नीचे से एक ब्रैकेट हटा लेंगे, और ऊपर से ये नाम हटा लेंगे इस तरीके से। देन यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमें बहुत सारी चीज़ों को, ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट्स नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट व्यू, और सारे एरर जो है वो चले गए हैं, स्टोरी पेज ट्रांजिशन। सो अब इसका यूज़ कैसे करना है हमें, सिंपली सेट पेज ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से यूज़ करना है, व्यू पेजर कंट्रोल सी, स्टोरी एक्टिविटी हमारा जो व्यू पेजर है ये वाला, उसके नीचे सेट कर देते हैं, जूम आउट की जगह आएगा हमारा स्टोरी पेज ट्रांजिशन। सो हमने एनिमेशन जो है वो भी सेट कर लिया है, अब हमें जो है हमारे लॉजिक सेट करने हैं, यहाँ से कोड ऑलमोस्ट हमने कॉपी कर लिया है सारा जो भी हमें कॉपी करना था।
ओके तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। और अब जो है हम इसे हमारी स्टोरीज के साथ जो है हमें सेट करना पड़ेगा अडेप्टर को। तो ये है अडेप्टर। सबसे पहले तो हमें ये जो नंबर ऑफ काउंट्स है ये हमें चेंज करने हैं। ये एक्टिविटी है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए, हमारे जितने भी स्टोरीज है उसके लिस्ट हमें यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, एक पब्लिक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट। और ये लिस्ट लिस्ट के लिए अगेन हमें चलना पड़ेगा स्टोरीज अडेप्टर, स्टोरीज एक्ट स्टोरी एक्टिविटी डॉट इमेजेस है। और अगेन यहाँ पे भी हमने जो है होम फ्रेगमेंट पे चलते हैं। होम फ्रेगमेंट से हमने स्टोरीज अडेप्टर के अंदर लिस्ट भेजी है। ये इमेजेस की लिस्ट है और ये हमारी मेन स्टोरीज लिस्ट है, स्टोरी की लिस्ट है। तो हमें जो है या तो इसे हम पब्लिक स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं होम फ्रेगमेंट पे और यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, या फिर स्टोरी पेज ट्रांजिशन पे जाके। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं क्योंकि तो सब जगह पे हमें बाद में जो है यहाँ पे अगर कुछ डेटा चेंज होगा तो हमें जो है बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करते हैं, ये लिस्ट का जो वेरिएबल है स्टोरी मॉडल, इसे यहाँ से कट करते हैं। वो कट नहीं करेंगे, सिर्फ लिस्ट को इनिशियलाइज करेंगे और ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट स्टोरी मॉडल। और लिस्ट अगेन लिस्ट ही है ना नाम, लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट और उसके अंदर है मॉडल्स, ये तो फीड्स है। फाइन, तो अब वापस से स्टोरीज अडेप्टर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी एक्टिविटी डॉट इमेजेस है। तो इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट सेट कर रहे हैं, इंटेंट के थ्रू हम जा रहे हैं स्टोरी एक्टिविटी के अंदर। और यहाँ पे स्टोरी इंटेंट ठीक है, और यहाँ पे अगेन हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो पास का यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है ठीक है। देन स्टोरी एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे अब लिस्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली होम फ्रेगमेंट से एक्सेस करेंगे लिस्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम फ्रेगमेंट डॉट लिस्ट डॉट साइज, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पोजीशन की मदद से जो है एक लिस्ट मॉडल पास करना है स्टोरी फ्रेगमेंट के अंदर। तो लिस्ट मॉडल हम होम फ्रेगमेंट डॉट लिस्ट डॉट गेट, यहाँ पे पोजीशन पास कर देंगे। ये कंस्ट्रक्टर अगेन हमें बनाना बाकी है इसलिए एरर शो हो रहा है ठीक है। और क्या करना है, और कहीं पे कुछ चेंज नहीं है। तो अब फ्रेगमेंट पे चलते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, हमारा एक्टिविटी स्टोरी का कोड जो है XML, इसे हम क्लोज कर लेते हैं। स्टोरी फ्रेगमेंट पे चलते हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्राइवेट स्टोरी मॉडल। स्टोरी मॉडल देन उसके बाद ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर फ्रेगमेंट स्टोरी मॉडल। सो अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर चले जाएगा क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया है। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, अब वापस से कहाँ गया हमारा स्टोरी फ्रेगमेंट, ये रहा, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे चेक करते हैं। इमेजेस, तो ये इमेजेस हमने कहाँ पे बनाई हैं, ये रही इमेजेस। सिर्फ इमेजेस जो है वो ही लिस्ट हमें चाहिए। तो क्या करेंगे,
इसे डिलीट कर देते हैं पहले तो, और डायरेक्टली मॉडल के अंदर से इमेजेस निकालेंगे। फाइंड मैच केस सिलेक्ट ऑल, और इमेजेस की जगह कर देंगे स्टोरी मॉडल डॉट गेट इमेजेस। ओके, तो इमेजेस हमें मिल चुकी है, और नेम, और नेम की अभी ज़रूरत नहीं है, वो बाद में, पहले इतना पहले काम हम जो है कर लेते हैं। तो इमेजेस भी हमें मिल चुकी है, और डेटा हमने यहाँ पे भी जो है वो सेट कर लिया है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसे टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, और स्टोरी जो है यहाँ पे पॉज हो रही है, देन नेक्स्ट कर पा रहे इमेज पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस इमेज भी शो हो रही है। अब स्वाइप करके देखते हैं। तो स्वाइप करने पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इमेज जो है वो स्टोरी जो है वो चेंज कर पा रहे हैं। ओके, अगर मैं स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे स्टोरी चेंज हो रही है, और हमारा ऐप क्रैश भी हो गया है। तो चेक करते हैं अब क्या प्रॉब्लम है, क्रैश होने का क्या रीज़न है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, स्टोरी फ्रेगमेंट यहाँ पे, गेट एक्टिविटी डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड। ओके, सो गाइज उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली पहले तो ये जो टाइमर टास्क है उसे एक वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर चलते हैं, और जहाँ पे हमने टाइमर के लिए वेरिएबल बनाया है यहीं पे हम प्राइवेट टाइमर टास्क करके एक वेरिएबल बनाएंगे, टाइमर टास्क, और उसके बाद उसे भी सेट टाइमर के अंदर ही जो है इनिशियलाइज कर देंगे। टाइमर टास्क इज इक्वल्स टू, और ये जो न्यू टाइमर टास्क है ये कोड यहाँ से पूरा कट कर लेंगे, और उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। और देन उसके बाद यहाँ पे ये जो है टाइमर टास्क पास कर देंगे। ओके, और अब हमें क्या करना है, हम सिर्फ टाइमर को ही कैंसिल कर रहे थे, टाइमर टास्क को भी कैंसिल करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमर के टाइम तो ठीक है, यहाँ पे जब हम टाइमर कैंसिल करते हैं तो साथ में हमें टाइमर टास्क को भी अब कैंसिल कर देना है। ओके, तो अब हमारा ऐप क्रैश नहीं होगा, और प्रोग्रेस बार एकदम अच्छे से काम करेगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू सेट टाइमर जो है वो 2 बार कॉल हो रहा है, ऑन रिज्यूम पे तो वैसे ही कॉल होता है, और ऑन क्रिएटेड पे भी हमने जो है कॉल किया हुआ है। तो सेट टाइमर यहाँ से हम हटा लेंगे, और ऑन रिज्यूम पे जो है हम सेट टाइमर को कॉल करेंगे। तो अब ट्राई करते हैं, अब क्रैश नहीं होगा हमारा ऐप। ओके, तो हमारा ऐप अगेन लॉन्च हो चुका है, और स्टोरी पे क्लिक करते हैं, और हमारा प्रोग्रेस बार यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट इमेज चेंज करके देखते हैं, देन अगेन प्रीवियस करते हैं, वापस से नेक्स्ट करते हैं, पॉज करते हैं, रिज्यूम करते हैं, और अब यहाँ से एक बार एक्टिविटी को पॉज करते हैं, वापस से रिज्यूम करते हैं, तो क्रैश नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है क्रैश। और अब जो है चेंज करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो है हमारा व्यू पेजर जो है वो भी अच्छे से काम कर रहा है। नेक्स्ट, और अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी स्टोरीज है इसलिए। अब वापस से पीछे चलते हैं, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो है हमारा व्यू पेजर एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही ये टाइमर यहाँ पे, अभी आप देखेंगे जैसे ही हमारी स्टोरी का लास्ट इमेज अगर शो हो जाएगा उसके बाद एक्टिविटी क्लोज हो जाएगी, तो हमें एक्टिविटी को क्लोज नहीं करना है, हमें यह करना है तुरंत दूसरी स्टोरी जो है वो हमें यहाँ पे यूज़र को डिस्प्ले करवानी है। अभी आप देख सकते हैं एक्टिविटी जो है वो क्लोज हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें यही चीज़ करनी है कि हमें जो है जैसे ही ये स्टोरी एंड हो जाती है तो हमें न्यू स्टोरी जो है वो लोड करवानी है, और साथ ही साथ यहाँ पे यूज़र का नेम और बैक बटन जो है, बैक बटन नहीं, सिर्फ यूज़र का नेम और यूज़र का जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पे हमें शो करवाना है। तो वो जो ये तीनों चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सेट करने वाले, इस वीडियो में सिर्फ हमें व्यू पेजर ही सेट करना था। तो आई होप ये आप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।